क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग आज अपना 44वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। दुनिया भर में फैंस है वो क्रिकेटर्स इस दिग्गज खिलाड़ी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। नजफगढ़ के नवाब वीरेंद्र सहवाग का शुमार दुनिया के सबसे आक्रामक ओपनिंग बल्लेबाजों में होता है। यह कहा जाता है कि टेस्ट क्रिकेट को बेखौफ अंदाज में उन्होंने खेलना ही सिखाया। वीरेंद्र सहवाग ने अपने करियर में कई यादगार पारियां खेली, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान में खेली गई उनकी 309 रनों की पारी कुछ खास मायने रखती है। इस तीसरे शतक ने सहवाग को मुल्तान का सुल्तान बना दिया। साथ ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को वनडे के स्टाइल में खेलने की अपनी छवि से पूरी दुनिया को वाकिफ कराया। सहवाग ने वह तीसरा शतक साल 2004 में गढ़ा था जब भारतीय टीम 3 टेस्ट और 5 वनडे मुकाबले के लिए पाकिस्तान के ऐतिहासिक दौरे पर गई थी। दौरे का आगाज मुल्तान से हुआ जहाँ टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया। उस मैच में सौरभ गांगुली की अनुपस्थिति में कार्यवाहक कप्तान राहुल द्रविड़ ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। भारतीय पारी की शुरुआत काफ़ी शानदार रही। सहवाग ने आकाश चोपड़ा के साथ मिलकर 40 ओवर के भीतर ही 160 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। हालांकि इस पार्टनरशिप में आकाश चोपड़ा का योगदान 42 रनों का था। जब आकाश चोपड़ा आउट हुए तब तक सहवाग अपना शतक पूरा कर चुके थे। सहवाग ने शोएब अख्तर की बॉल पर छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया। आकाश चोपड़ा के बाद राहुल द्रविड़ क्रीज पर उतरे, लेकिन वह कुछ खास नहीं कर पाए। 6 रन के स्कोर पर मोहम्मद शमी का शिकार हो गए। इसके बाद सचिन तेंदुलकर और सहवाग ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को कोई मौका नहीं दिया, खूब रन बटोरे। पहले दिन का खेल समाप्त हुआ तो भारत का स्कोर 2 विकेट पर 356 रन का था। इसमें 228 रन सहवाग के बल्ले से निकले थे। मैच के दूसरे दिन 29 मार्च सहवाग से तीसरे शतक की उम्मीद थी और उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं किया। लंच के कुछ देर बाद ही सहवाग ने सकलेन मुश्ताक की बॉल पर छक्का लगाकर 13 शतक पूरा कर लिया। इसके साथ ही सहवाग टेस्ट मैच में 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। सहवाग ने महज 364 बॉल का सामना करते हुए यह उपलब्धि हासिल की जिसमें 38 चौके एवं 6 छक्के शामिल थे। सहवाग 13 शतक बनाने के कुछ देर बाद ही चलते बने, लेकिन तब तक वह इतिहास रच चुके थे। सहवाग को 309 रन के निजी स्कोर पर मोहम्मद शमी ने चलता किया। सहवाग और सचिन के बीच तीसरे विकेट के लिए 336 रनों की साझेदारी हुई थी, जिसके चलते भारत काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुंच गया था। फिर युवराज सिंह 59 रन और सचिन तेंदुलकर की शतक साझेदारी से भारत को 650 के स्कोर तक पहुंचा दिया। अतः भारतीय ने 5 विकेट पर 675 रनों के स्कोर पर पारी घोषित कर दी। वीरेंद्र सहवाग ने जहां 13 शतक से पाकिस्तानी फैंस को अपना मुरीद बना लिया, वहीं सकलेन मुश्ताक के लिए टेस्ट मैच किसी सदमे से कम नहीं रहा। सकलेन ने उस मैच में कुल 43 ओवर में 204 रन क्रश कर दिए थे। खास बात यह रही कि सकलेन मुश्ताक उसके बाद फिर कभी पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच नहीं खेल पाए। पाकिस्तान के खिलाफ वीरेंद्र सहवाग का टेस्ट रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है। सहवाग ने पाकिस्तान के खिलाफ 9 टेस्ट मैचों में 91.14 की औसत से 1276 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक निकले थे। सहवाग पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबलों में शोएब अख्तर के गेंदों पर जमकर खबर लिया करते थे। वीरेंद्र सहवाग ने कुल 104 टेस्ट मैचों में 8586 रन बनाए थे, इसमें 23 शतक शामिल हैं। वीरू का हाई स्कोर 319 रहा, उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाया था। वह 213 शतक लगाने वाले टीम इंडिया के इकलौते खिलाड़ी हैं। वनडे इंटरनेशनल की बात की जाए तो वीरेंद्र सहवाग ने 15 शतक और 38 अर्धशतकों की मदद से 8283 रन बनाए थे। वनडे इंटरनेशनल में सहवाग का हाई स्कोर 219 रहा। इसके अलावा 19 T20 इंटरनेशनल में सहवाग के नाम पर 394 रन भी दर्ज हैं।
आप भी वीरेंद्र सहवाग के फैन हैं और वीरेंद्र सहवाग का 13 शतक आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो बगैर मत जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।